डायरेक्टली जंप करते हैं वीडियोस के पॉइंट पे, कोई इंट्रो नहीं, कोई प्रीफेस नहीं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सो दैट फर्स्ट पॉइंट इज गुस्सा। अगर आपको ये चेक करना है कि कोई भी इंसान आपको कितना ज्यादा प्यार करता है, आपका पार्टनर दिल से वाकई में आपको कितना प्यार कर रहा है, ये चेक करना है आपको, तो कोई सवाल मत करना, चुपचाप इस वीडियो को देखो। यू शुड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन एंड आई प्रॉमिस यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रू लव। तो यहाँ पे बस आपको सीधे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको एंगर चेक करना है। तो ये जो है, देखो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये बहुत आसान काम है, ठीक है, और इसको चेक करने में आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये है, ये जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इसका आंसर काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता ही है। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि आपका पार्टनर जो गुस्सा करता है वो शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है। एक बात ये समझो कि गुस्सा जो है सभी के अंदर होगा ही होगा। आप ये कभी भी उम्मीद मत करो कि कोई भी इंसान गुस्से को पूरी तरीके से छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बाय नेचर है, गॉड गिफ्टेड है, सभी के अंदर होता है। और अगर ऐसा कोई आपको दिख जाए तो फिर वो महात्मा होगा या कोई धर्मात्मा होगा, अदरवाइज तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बस चेक करना है कि आपका पार्टनर कौन सा गुस्सा करता है। देखो अब इसकी बात करते हैं, अगर आपका पार्टनर शॉर्ट टर्म का गुस्सा करता है, इट मीन्स कि वो आपको ट्रूली लव करता है और सच में आपको प्यार करता है। और कैसे करता है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म का गुस्सा खतरनाक क्यों होता है। देखिए अगर आपका पार्टनर इस तरीके से है कि मतलब गुस्सा होता है तो कभी हफ्ते ऐसे ही बीत गए, कभी महीने निकल गए, और कई बार तो 6 महीने साल भी बीत जाते हैं, तो ऐसा इंसान क्या प्यार करेगा आपको, ऐसे से कोई उम्मीद मत रखना। हाँ इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ दिया, आप किसी और के साथ फिजिकल हो गए, रिलेशनशिप में ही आ गए और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, तो भला आप ये कैसे कह सकते हो कि उसका गुस्सा शॉर्ट टर्म तक चले, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो जो हम डेली रूटीन की बात करते हैं, जो छोटे मोटे गुस्से आ जाया करते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ों में आपका पार्टनर जो है गुस्सा आया नहीं कि चला भी गया, ऐसा अगर होता है तो आपका पार्टनर बहुत प्यार करता है। अब मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आप एग्जांपल्स देता हूँ आपको। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिससे आप गुस्सा हो उसी की गोद में सर रख कर आप सोए हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिससे आप गुस्सा हो उसी का काम आपने किया हो? ऐसा कभी किया है आपने? आपका तो नहीं पता है बट ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ हुआ है, आपने फील किया है या आपने किया है, तो ये जो है 110% जो है सच्चे प्यार की निशानी है और बहुत ही हाईएस्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको चेक करना है, शॉर्ट टर्म इज गुड एंड लॉन्ग टर्म इज वेरी बैड, ठीक है। अब आपको बताते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, सो दैट सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है चेक करना पड़ेगा ही, अगर आप जानना चाहते हो कि वाकई में आपका प्यार जो है कैसा है, किस लेवल का है। तो देखो अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ज़ीरो है तो आप समझ जाओ कि फिर जो है आपका प्यार ज़्यादा समय तक टिकेगा ये ज़रूरी नहीं है, और आगे खुश रहोगे ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करने का क्या तरीका होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि क्लियर हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिचुएशन में बिजी होते हैं और कॉल पिक नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन कॉल जो है हम होल्ड पर रख देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल चल रहा है और हमें अचानक से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर इस तरीके से कुछ भी सिचुएशन आप फेस करते हो और आपका पार्टनर इन चीज़ों को समझे ना, ठीक है, जब आप उसको समझाना चाहो या फिर बिना कहे वो समझे ना, वो जो है आप पर हावी हो जाए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, या अगली बार हम भी ऐसा करेंगे, या तुम्हारे पास कॉल ही नहीं करेंगे, मतलब आपके सिचुएशन को अंडरस्टूड करने की जगह पर वो आप पे हावी हो जाए, तो उसका मतलब है कि वो इंसान जो है ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक तरीके से परिचय दे रहा है। मतलब कि उस इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी है कि मतलब हमारे ईगो को हर्ट कैसे किया तुमने, तुम्हें कॉल पिक करना चाहिए था, भाड़ में जाए तुम्हारी सिचुएशन। अगर ऐसी उसकी मेंटालिटी है तो इसको मैं ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलूँगा, इसको लो भी नहीं बोलूँगा, ज़ीरो बोलूँगा मैं। और यहीं पे आपका पार्टनर ये कहता है कि इट्स ओके, मुझे पता है आपका शेड्यूल बिजी होगा, या ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बात तो बाद में भी कर लेंगे, ठीक है, पहले आपका काम डन होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और इसका मतलब है कि फ्यूचर में आप बहुत ही खुश रहोगे, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है, आपको चेक करना चाहिए कि कैसा है आपका पार्टनर और आप कैसे हो।
अब आपको बताते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में जो कि फाइनल है। पॉइंट नंबर थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि सस्टेनेबल लव। ओके, सस्टेनेबल लव के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि व्हाट इज सस्टेनेबल लव। ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके रिलेशनशिप में है। कुल मिला के आपका प्यार सस्टेनेबल लव की कैटेगरी में आता है, सस्टेनेबल लव है। सो दैट इसका मतलब यही होता है कि आप फ्यूचर में खुश रहोगे, कभी अलग नहीं होगे और कभी प्यार कम नहीं होगा। अब सस्टेनेबल लव क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। सस्टेनेबल लव को हिंदी में हम कहें तो संधारणी प्यार कह सकते हो, पता नहीं क्या है बट आप जो है ट्रांसलेशन कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इसका अर्थ मैं आपको अगर बताऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा प्यार करना जिससे फ्यूचर में प्यार की कमी ना पड़े, उसको हम सस्टेनेबल लव कहते हैं इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा है, मतलब कि आपका पार्टनर, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कम प्यार करो ताकि फ्यूचर में ज़्यादा रहे, नहीं। अगर बहुत ही कम प्यार करोगे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी और मन में बार बार ख्याल आएगा कि यार इस रिलेशनशिप में क्यों है, इसको ख़त्म ही कर दें। तो कम प्यार भी नहीं करना है, मतलब इतना करो जितने में सर्वाइव हो जाओ और फिर उसके बाद में फ्यूचर में आपके लिए ज़्यादा प्यार अवेलेबल रहेगा। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो अगर आपके पार्टनर को चीज़ों को बैलेंस करना आता है, मतलब आपको आपकी इच्छाएं भी पूरी करनी है लेकिन बार बार आपकी इच्छाएं भी नहीं पूरी करनी है, आपको जो है किसी भी चीज़ के लिए इतनी आसानी से वो चीज़ अवेलेबल नहीं कराना है आपको, ये सारी चीज़ें अगर आपके पार्टनर के अंदर क्वालिटीज़ हैं तो आपका पार्टनर सच में यकीन मानिए बहुत ज़्यादा प्यार करता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स मेरे जो हैं टोटली जो है बहुत साइंटिफिक हैं और साइकोलॉजी बेस्ड हैं, तो इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करिए और इसको देखिए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर ये पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट बैठ गए तो आप रिलेशनशिप में कभी हारोगे नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए सेशन का काम करेगा। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था कि सस्टेनेबल लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैंने तीन पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, इनको मैच करना। और तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर डायरेक्टली मेरे से आप बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।